मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का ऐसा स्वागत किया गया कि उनका मन गदगद हो गया। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले कांवड़ियों पर जैसे ही आसमान से फूल बरसे तो उनकी पूरी थकान छू मंतर हो गई। पुलिस की तरफ से की पुष्प वर्षा से कांवड़ियों में जोश भर गया। कांवड़ियों की सुरक्षा और उनको हर सुविधा देने के लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं पर कोई तकलीफ ना हो इसके लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। जिले की मुखिया डीएम सेल्वा कुमारी और सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले एसएसपी अभिषेक यादव ने हवाई सर्वेक्षण करके सुरक्षा का जायजा लिया और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका जोरदार स्वागत किया गया। शामली में शिव भक्तों के साथ साथ देशभक्ति का भी नजारा देखने को मिला। शिव भक्तों ने 51 फीट के तिरंगा के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की है। हरिद्वार से चलकर शिव भक्त हरियाणा तक जाएंगे। कांवड़ियों की तिरंगा यात्रा जब शामली के शिव चौक पहुंची, तो लोगों ने कांवड़ियों का काफी भव्य स्वागत किया। और भारत माता की जय जय के नारे लगाए। कांवड़ यात्रा के आयोजकों का कहना है कि जवान 24 घंटे देश की सुरक्षा करते हैं। इसके लिए उन्होंने तिरंगा यात्रा को देश के शहीदों को समर्पित किया है। दावा बनता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, अपने शहीदों को समर्पित करें, और इसीलिए हम ये 51 फुट की तिरंगा यात्रा अपने देश के भी शहीदों को समर्पित करते हैं। सावन का महीना है और कांवड़ियों में उत्साह पूरे शबाब पर है। मेरठ से लेकर शामली तक शिव भक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ शिव भक्ति में लगे हैं। जगह जगह पर भव्य स्वागत होने से ये उत्साह कई गुना बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सावन के माह में ये कांवड़ियों की आस्था है, शिव के प्रति उनकी ये समर्पण है कि जब भक्ति के भाव के साथ सड़कों पर जब वो गुजरते हैं तो ये भाव उनके जहन में होता है। आस्था की ये भाव हर किसी को भाव विभोर कर देते हैं, हर किसी की भावना को न केवल सावन में बल्कि शिव आराधना के तौर पर भी वो भाव जागृत कर देते हैं जो समर्पण की शक्ति को दिखाता है और आदि शक्ति में भी लोगों की आस्था को और गहरा कर देता है। बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं 3 मिनट में 33 खबरें।